ये रिश्ता क्या कहलाता है। मानसी क्या हुआ बेटा? पापा वो पंडित जी को कहते हुए सुना था कि यहाँ माफी मांगो तो माफी मिल जाती है, इसलिए मैं माफी मांगने आ गई। सबने चाहे मुझे माफ कर दिया हो पर खुद को मैं माफ नहीं कर पाई और शायद कभी नहीं कर पाऊंगी। पापा बहुत बुरा लगता है मुझे, बहुत गिल्टी फील हो जाए। क्या कर दिया मैंने पापा ये? नहीं बेटा नहीं, समझ सकता हूँ, लेकिन तुम भी जरा समझो, मूव ऑन, भूल जाओ इन सब बातों को। कोई अच्छी याद हो तो इंसान संभाल के भी रखे, ऐसी बातों को जितने जल्दी हो सके भुला देना चाहिए, है ना? अब जाओ, लोग तुम्हें यहाँ पे अपसेट देखेंगे तो हजार सवाल खड़े हो जाएंगे। से बड़ा गुनहगार तो मैं हूं, इस बात को तो मैंने ही छुपाया था ना। मानसी तो पहले ही सबको बता देना चाहती थी कि अक्षरा जी का एक्सीडेंट उससे हुआ है। माफ कीजिए भगवान, माफ कीजिए मेरे बच्चों को, मेरी गलती की सजा ना दो प्लीज। मान जी का गिल्ट दूर हो और ये बात नायरा और कार्तिक के बीच में कभी ना आए, बस यही मेरी प्रार्थना है आपसे। बस किसी को कुछ गलती से भी पता ना चले भगवान, कभी नहीं। हम चलते हैं, इजाजत दीजिए। हाँ वर्षा जी से और राजश्री माँ से कहिएगा कि हमने उन्हें बहुत मिस किया। क्या हुआ मानसी? मानसी भैया वो कार एक्सीडेंट भैया, भाई वो आदमी नक्श, ये एक छोटा सा टोकन ऑफ लव है। शादी के बाद हम तुम लोग पहली बार हमारे घर आए हो तो लगता है आंधी आने वाली है, हमें वक्त पे घर के लिए निकलना चाहिए। राधे कृष्ण। What the hell? कुछ कहा क्यों नहीं इसने? नायरा, इतने तूफान में तुम दोनों बाइक पे कैसे जाओगे? मैं छोड़ देता हूं। नहीं नहीं भाई, कोई बात नहीं, हम लोग टैक्सी से चले जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए।
हुआ नक्ष, तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? क्या हुआ? मुझे जो कहना होगा, जब कहना होगा मैं कहूंगा, तुम्हारी राय की जरूरत नहीं। तुम मेरी राय मानो तो अपना मुंह बंद रखो। तो चाय बना रही थी और ये रॉक क्लाइंबिंग कैसे शुरू कर दी आपने? वो सोचा तुम्हें सरप्राइज दूंगी, फैन के ऊपर फूल डाल रही थी, जब तुम फैन ऑन करोगे तो वो सारे फूल तुम्हारे ऊपर गिरेंगे। मेरे लिए ये एक फूल ही काफी है, बाकी सारे फूल बेकार है इसके सामने। तो चाहे तुम कुछ भी कहो, इस फूल के साथ कोई पंगे मत करना। ये है तो मैं हूं। अब इस चोट के लिए बर्फ डालो और फिर भी ठीक नहीं हुआ तो डॉक्टर के पास जाएंगे, ओके? हेलो, जो काम तुम्हें करना चाहिए था नक्ष, वो काम अब मैं करने जा रहा हूँ। तुम्हारी बहन को वो न्यूज अब मैं दूंगा, जिसको सुनने के बाद सिर्फ उसकी खुशियां ही नहीं, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। भाग नक्ष, भाग। क्या आपने पक्का ठीक सुना है ना चाची, आदित्य ही लेके गए? हाँ हाँ, मुझे अभी अभी मानसी से पता चला है। वो कोई बात नहीं है, अच्छा है लेकर गए हैं, लेकिन अभी ना ट्यूशन टीचर आ गई वो दोनों की, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उन्हें क्या जवाब दूं। रुको, हम आदित्य जी से बात करते, उन्हें से पूछते उन्हें आने में कितनी देर लगेगी। हेलो दामाद जी, कहाँ हैं आप? कार्तिक, क्या बचपना है ये? दोस्त अपनी जगह है मगर रिश्ते अपनी जगह है। तुमसे इस बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी। नायरा को चोट लगी और तुमने हमें बताया तक नहीं, कहाँ है वो, कैसी है? और मैंने सुना कि तुम भी घर पर नहीं हो, हम लोग बस अभी निकल रहे हैं। चल। बेकार की हमदर्दी और चिंता जताने की कोई जरूरत नहीं है आपको, हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। आपको आने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। आप प्लीज हमसे दूर रहिए। की वजह से ही तो आज मुझे और नायरा को अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ रहा है। पोते के प्यार में हम इतने भी अंधे नहीं हुए कि बेटे की बेइज्जती होते देखे। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं,
नहीं मतलब नहीं। Don't you dare. मेरे साथ तो तुम बदतमीजी करने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं क्या कर सकता हूँ इसका तो तुम्हें अंदाजा हो ही गया होगा। I'm very clear. जब तक तुम अपना मुंह बंद रखोगे मैं अपना मुंह बंद रखूंगा, नहीं तो धायरा को कुछ मत बताना, कोशिश करूंगा पर तुम मेरी एक बात याद रखना, तुम्हारी औकात यही है मेरे सामने हाथ जोड़ना, पैरों पे गिरना, गिड़गिड़ाना, दैट्स इट। आदित्य जी, क्यों रहे थे और अब यहां क्यों, कैसे और ये आपसे इस तरह क्यों बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं वो और क्या गलत बात कर रहे हैं? तुम्हें हर बात में ऑब्जेक्शन करने की आदत हो गई है नायरा, उन्हें कहने से पहले खुद को देखो तुम कैसे बात करी हो उनसे, और तुमसे बड़े ऐसे ऐसे बात करते हैं बड़ों से? आदित्य जी, I'm sorry. मैं मिसेस शर्मा हूँ, ये प्लम्बर है अपनी बिल्डिंग का, तुम शायद इसे नहीं जानते, हम लोग 15 सालों से जानते हैं इसे, इसे कुछ चेक करना है तुम्हारे बाथरूम में, चेक करने दो ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तुम अकेली हो क्या घर पे? तुम्हारे हस्बैंड कहाँ है? जी हस्बैंड है वो अभी नीचे गए हैं। अच्छा मैं चलती हूँ। दरवाजा खुला छोड़ देती हूँ। प्लंबर इसी घर में आया। सही तुक्का लगाया तूने आज। अरे मैडम भी वही है जिसके पति को आज हम लोगों ने टैक्सी पे जाते हुए देखा। सही से पकड़ इसको। छोड़ो मैडम को। अबे मैंने कहा छोड़ो मैडम को। घूमने से रमाकांत वापस नहीं आ जाएगा।
तो हमें उसे ढूंढने जाना होगा। लाउड वॉल्यूम पे टीवी। अच्छा नायरा शायद तुम्हें साथ चलो। नायरा पता नहीं इधर मकान कहाँ होगा। हेलो नायरा, अरे कितने लाउड वॉल्यूम पे टीवी देख रही हो। हेलो नायरा, पक्का गलती से रिसीव हो गया है मैडम से फोन।